पूरी तरीके से बंद होने पर उसके दोस्त बिल्कुल बौखला गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करें क्या। अनन्या घबराती हुई बोली, ओ गॉड, ये तो बेहोश हो गया। ध्रुव, ध्रुव अपनी आंखें खोलो। अनन्या और विकी लगातार ध्रुव की हथेलियों को और पैरों को सहला रहे थे, लेकिन ध्रुव अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। छलावा बोला, हमें जल्द से जल्द पानी की जरूरत है। तारा ने उस दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की तरफ देखा और बोली, लेकिन यहाँ हम पानी कहाँ से लाएंगे? मुझे तो यहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं दिख रहा। छलावा बोला, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ना तारा, इस तरह से हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना। फिर वो कुछ सोचकर बोला, मैं एक काम करता हूँ, आसपास जाकर देखता हूँ, शायद पानी हो कहीं। विकी ने कहा, हाँ तू जल्दी जा, लेकिन अपना ध्यान रखना और जल्दी लौट कर आना। छलावा ने हाँ में सिर हिलाया और एक नजर ध्रुव की तरफ देख कर चला गया। छलावा को गए काफी देर हो गई थी, लेकिन वो लौट कर नहीं आया था। अब उन लोगों को छलावा की भी फिक्र हो रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी और अब सबका गला भी प्यास से सूख रहा था। तभी उन्हें छलावा आता दिखा। छलावा को देखते ही उनको एक उम्मीद की किरण नजर आई। तारा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ छलावा, कहीं कुछ मिला? छलावा इनकार करता हुआ बोला, नहीं तारा, यहाँ दूर दूर तक सिवाय इन सूखी रेत और तपती गर्मी के कुछ भी नहीं है। अरे पानी तो छोड़ो, मुझे एक कीड़ा मकौड़ा तक नहीं दिखा। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर जीवन के नाम पर सिर्फ हम ही लोग हैं। इतना कहकर छलावा वहीं जमीन पर ध्रुव के पास बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अनन्या ने कहा, मुंह बंद कर, मुंह खोलकर सांस मत ले, वरना तेरा गला और सूखेगा, पहले से ही तू थका हुआ है। छलावा अपने सूखे होठों पर जीभ फिराता हुआ बोला, मुझे तो अब लग रहा है जैसे हम सब यहाँ प्यास से अभी इसी वक्त खत्म हो जाएंगे। तारा ने कहा, एक उपाय है। छलावा ने पूछा, कैसा उपाय? तारा बोली, हम एक काम क्यों नहीं करते, हम वापस चलते हैं। तुम्हें याद है कुशल ने कहा था कि हमें जब भी लौटना हो और हम लौटने का नाम लेंगे तो वो नाव हमें लेने आ जाएगी। मुझे लगता है यहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम ध्रुव को लेकर लौट जाते हैं, जो होगा वो बाद में देखेंगे। छलावा बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तो पहले ही मना कर रहा था यहाँ आने के लिए, लेकिन ध्रुव ने मेरी एक बात नहीं मानी। देखा, तुम लोगों ने मेरा डर एक एक करके सच हो रहा है। विकी बोला, अब जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता ना छलावा, तू भी बहुत अच्छे से जानता है ध्रुव अपने आगे किसी की नहीं सुनता। उन्होंने वापस जाने के लिए नाव को बुलाने की बहुत कोशिश की, पर वो नाव नहीं आई। छलावा बोला, वो नाव क्यों नहीं आ रही है? कुशल ने तो हमसे कहा था कि वो आ जाएगी, क्या उसने भी हमसे झूठ बोला? लेकिन क्यों, हम तो उन्हीं के काम के लिए आए थे, और इस तरह से हमें यहाँ फंसा कर उन्हें क्या मिलेगा? तारा ने कहा, ये भी तो हो सकता है ना कि जब तक हमारा काम ना हो जाए तब तक वो नाव ना आए, कुशल के कहने का ये मतलब रहा होगा। विकी झल्लाता हुआ बोला, तुम ना ध्रुव की बहन बनने की कोशिश जरा कम करो, इतनी पॉजिटिविटी अच्छी नहीं होती। देख नहीं रही हो एक की पॉजिटिविटी का क्या नतीजा है, ऐसे बेहोश पड़ा हुआ है, और हम इतने मजबूर हैं कि हमारे पास पानी की बूंद तक नहीं है, किसको होश मिला सके, और अब तुम भी उन लोगों की तरफदारी करके बोल रही हो। अनन्या ने देखा विकी की बातों से तारा का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया। अनन्या विकी से बोली, विकी यहाँ पर हम लोग लड़ने नहीं आए हैं और ना ही एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए आए हैं, हम सब यहाँ एक साथ फंसे हुए हैं, तो प्लीज तू जरा तारा से तमीज से बात कर। मैं जानती हूँ तू नाराज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू उसके साथ मिसबिहेव करेगा, वो भी कुछ सोच समझ कर ही बोल रही होगी। विकी गुस्से में खड़ा होकर बोला, हाँ ठीक है, यहाँ सबसे गलत मैं ही हूँ, बाकी तुम लोग सही हो, मैं जो बोलूँ वो सब गलत, तो मैं यहाँ हूँ ही क्यों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, अगर इतनी तकलीफ है तुम लोगों को मेरे यहाँ होने से। तो इतना कहकर विकी वहां से चला गया। पीछे से अनन्या बोली, विकी कहाँ जा रहा है, बेवकूफी मत कर, यहाँ दूर दूर तक रेत के अलावा कुछ नहीं है, हम सब पहले से ही फंसे हुए हैं, और प्रॉब्लम क्रिएट मत कर। लेकिन विकी ने जैसे उसकी बात ही नहीं सुनी और वहां से आगे निकल गया। तारा बोली, छलावा जल्दी करो, उसको पकड़ कर लाओ, पता चला ध्रुव यहाँ बेहोश और विकी एक नई मुसीबत में फंस जाए, फिर हम क्या कर पाएंगे। छलावा विकी के पीछे बढ़ा और बोला, विकी वापस चलो, क्या कर रहे हो? विकी बोला, नहीं छलावा, मुझे वापस नहीं जाना, अगर मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखता है तो मैं लौट कर आऊंगा तुम लोगों को ले जाने के लिए, नहीं तो तुम लोग अपना देखो। अभी विकी इतना बोल ही रहा था कि छलावा ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे एक तरफ खींच लिया। विकी को समझ ही नहीं आया कि वो कर क्या रहा है। वहीं पर अभी अभी रेतीले तूफान से बना हुआ रेत का एक टीला था। छलावा विकी को लेकर उस टीले के पीछे चला गया और अपना हाथ हटाया। विकी बोला, क्या कर रहे हो तुम? छलावा ने तुरंत उसके मुंह पर फिर से हाथ रखा और धीरे से बोला, चिल्लाओ मत, वो देखो कोई आ रहा है। विकी ने देखा दूर से कोई आदमी चला आ रहा था। विकी आहिस्ता से बोला, ये कौन है? अभी तो तुम बोल रहे थे कि यहाँ कीड़े मकौड़े भी नहीं है, तो फिर अभी एक आदमी यहाँ कैसे चला आ रहा है? छलावा बोला, इसीलिए तो मैं हैरान हूँ, इस जगह पर कोई आदमी क्या कर रहा है? विकी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हमें यहाँ फंसाया गया है इसे भी यहाँ फंसा दिया गया हो? मुझे लगता है हमें इससे बात करनी चाहिए, क्या पता
इसे इस जगह के बारे में कुछ पता हो और हमारी मदद हो जाए। छलावा बोला, ऐसी बेवकूफी तो गलती से भी मत करना। जिन्हें हम जानते हैं वो तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, और एक अनजान पर तुम विश्वास कर लोगे? क्या पता ये भी हमारे लिए मुसीबत ही बनकर आ रहा हो। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना है, बस चुपचाप देखो कि ये है कौन और कर क्या रहा है। तब तक वो आदमी काफी नजदीक आ चुका था। उसे देखकर विकी चौंकता हुआ बोला, अरे ये तो विनायक है। छलावा हैरानी से बोला, विनायक? वो उस औरत का पति? विकी ने कहा, और किसी विनायक को जानते हो क्या तुम? ये वही है। अरे इसी ने तो मुझे मुसीबत में फंसाया था, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? इस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर विकी जैसे ही वहां से उठने लगा, छलावा ने तुरंत उसे नीचे बिठाया और बोला, पागल हो गए हो क्या? याद नहीं है उस औरत ने क्या कहा था? ये बंजारन और सुमेर की सहायता कर रहा है, और ये भी उस वंशावली सीप के चक्कर में यहाँ आया है। इसका मतलब समझते हो? विकी बोला, इसका क्या मतलब है? छलावा बोला, इसका ये मतलब है कि ये हमारे लिए बहुत मददगार है। हमें इस पर नजर रखनी होगी, और जाहिर बात है ये इस जगह से परिचित है और इसे पता होगा कि यहाँ पर कहाँ हरियाली है और कहाँ पानी है। हमें इसके पीछे चलना चाहिए, क्योंकि देखो इसके पास ना कोई थैला है ना कोई खाने पीने का सामान, और जितनी गर्मी है प्यास तो इसे भी लग रही होगी। कुछ आगे जाकर ये खाने पीने की तलाश में लग जाएगा, और वहां से हमें भी पानी मिल जाएगा ध्रुव के लिए। छलावा की बात सुनकर विकी बोला, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। छलावा ने कहा, तो सोचो, ऐसी स्थिति में सिर्फ भावुक होकर या गुस्से में काम नहीं किया जाता, जैसे बेवकूफी तुमने अभी अभी की है वहां से भागकर। दिमाग से सोचना पड़ता है। हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन उससे पहले हमें ध्रुव को होश में लाना है। समझदारी से काम लो। जब तक ये दोनों बात कर रहे थे, तब तक विनायक उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। छलावा बोला, अरे ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। विकी बोला, गायब तो नहीं हो गया? छलावा ने कहा, नहीं यहीं कहीं होगा। तभी वो बोला, वो देखो वो जा रहा है। उन्होंने देखा विनायक काफी आगे निकल चुका था। विकी बोला, लेकिन हम इसका पीछा करेंगे कैसे? ये तो सोचो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रेत के टीले हर जगह नहीं बने हुए हैं, और ना ही पेड़ पौधे हैं जिनके पीछे हम छुप जाएंगे। ये हमें आसानी से देख सकता है। छलावा ने कहा, हम किस तरफ से आए थे तुम्हें याद है? मतलब तारा, अनन्या और ध्रुव कहाँ है तुम्हें याद है ना? विकी ने कहा, हाँ बिल्कुल उस तरफ, वो रही वो चट्टान उसी के पास। छलावा बोला, बहुत अच्छे, एक काम करो, तुम उन तीनों के पास जाओ और वहीं पर मेरा इंतजार करो। मैं इसके पीछे जाता हूँ और मालूम करता हूँ कि आखिर ये जा कहाँ रहा है। विकी ने कहा, क्यों, ये तुम्हें नहीं देखेगा? छलावा बोला, लगता है गर्मी का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है। इतना कहकर छलावा ने तुरंत अपना रूप बदला और एक चूहे जैसे किसी जानवर में बदल गया और सीधा जिस तरफ विनायक गया था उस तरफ बढ़ गया। विकी बोला, अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, ये इच्छाधारी छलावा है। उसके बाद विकी बड़ी तेजी से जिस तरफ ध्रुव था उस तरफ बढ़ गया। जैसे वो उन तीनों के नजदीक गया, उसने देखा अनन्या और तारा बेचैनी से इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। विकी पर नजर पड़ते ही उनकी जान में जान आई। विकी को देखकर तारा बोली, क्या तुम हर बात पर नाराज होकर भागने लगते हो? ये क्या नया सीखा है तुमने? विकी तुम जानते हो हम कितने परेशान हो गए थे, और तुम अकेले क्यों आए हो? मैंने छलावा को तुम्हारे पीछे भेजा था, क्या वो तुम्हें नहीं मिला? विकी बोला, हाँ वो मेरे ही साथ था, लेकिन थोड़ी देर में छलावा आ रहा है। अनन्या ने कहा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ गया है? विकी बोला, पानी की तलाश में। अनन्या बोली, क्या बकवास है ये, आखिर तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? एक बार पहले भी वो देख कर आया है, यहाँ पानी नहीं है, तो फिर से कहाँ चला गया? विकी बोला, इस बार वो रेगिस्तान में भटकने नहीं गया है, हमने यहाँ विनायक को देखा है। छलावा विनायक के पीछे ही गया है, हो ना हो विनायक को जरूर पता है कि यहाँ पर पानी और बाकी की चीज है, और उस सीप तक पहुँचने में भी विनायक के जरिए हमें आसानी होगी, इसलिए छलावा उसके पीछे गया है। तुम लोग फिक्र मत करो, वो सही सलामत लौट आएगा। दूसरी तरफ छलावा विनायक के पीछे तेजी से बढ़ता जा रहा था। विनायक काफी आगे जा चुका था और एक जगह पर जाकर वो रुक गया। छलावा ने देखा विनायक जहाँ रुका था वहां पर एक पहाड़ था। वो बहुत ऊंचा तो नहीं था, लेकिन दिखने में रेत से बना हुआ ही लग रहा था। वहां पर रुककर विनायक ने एक बार अपने इर्द गिर्द देखा और ये तसल्ली करने के बाद कि वहां पर कोई नहीं है, वो सीधा उस पहाड़ में चला गया। छलावा ये देखकर हैरान रह गया। कुछ पहाड़ में ना कोई रास्ता था ना कुछ, लेकिन फिर भी विनायक आसानी से उस पहाड़ के भीतर घुस गया। ऐसा लगा जैसे वो पहाड़ सिर्फ आंखों का धोखा है। छलावा भी बड़ी फुर्ती से विनायक के पीछे गया और वो भी आसानी से उस पहाड़ के भीतर समा गया। कुछ ही दूर जाने के बाद उसने देखा वहां बिल्कुल हरियाली है, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट है, पेड़ पौधे और पानी का बड़ा सा तालाब भी है। ये देखकर छलावा की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। छलावा ने देखा विनायक सबसे पहले उस तालाब के नजदीक गया, उसने अपने हाथ मुंह धोए, पानी पिया और एक तरफ बढ़ गया। छलावा समझ गया कि यहाँ पर ये रेत और ये परेशानियां, ये सब कुछ आंखों का धोखा ही है।
अब उसे जल्द से जल्द ध्रुव को यहाँ लेकर आना था, इसलिए वो वापस बड़ी तेजी से लौट गया।